यदि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसे मैं हल कर रहा हूं, इसे आप लोग ध्यान से देखें, आप लोगों को फायदा होगा। क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा आपस में बराबर, तो यह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्लियर है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? यदि मान लीजिए कि इस वर्ग का एक भुजा का लंबाई एक्स है, मान लीजिए कि इस वर्ग के एक भुजा की लंबाई एक्स सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा की जगह पर एक्स बैठाना होगा, आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो वर्ग का कॉन्सेप्ट, तो वर्ग का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, समझ गए ना? अब हम लोग आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या है? यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए, तो यहाँ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? माना वर्ग की प्रत्येक भुजा एक्स है, कितना है? एक्स है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो फार्मूला मैंने अभी बताया, भुजा का स्क्वायर फार्मूला होता है, और भुजा कितना माना हुआ है? एक्स। हम लोग भुजा कितना माने हैं? एक्स। तो भुजा के जगह पर बैठाना होगा एक्स, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिखना होगा। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए, कितना हो जाए? अपनी एक तिहाई, वन थर्ड हो जाए। हम लोग वर्ग का भुजा कितना माने हैं? एक्स। तो नया जो वर्ग बनेगा उसका भुजा कितना होगा? एक्स बटा तीन, कितना होगा? एक्स बटा तीन। अब फिर इस नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का नया क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला पहले लिखेंगे भुजा के स्क्वायर, भुजा कितना हो गया? एक्स बटा तीन, तो भुजा की जगह पर एक्स बटा तीन स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए। अब एक्स बटा तीन का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स बटा तीन गुना एक्स बटा तीन, इसका स्क्वायर है ना, तो दो बार लिखना होगा, लिखना होगा ना दो बार, तो दो बार लिख दिए। अब गुना करेंगे एक्स को एक से, तो एक्स को एक से गुना करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर, तीन को तीन से गुना करेंगे तो तीन तिया नौ, यही होगा। इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, एक बटा नौ गुना एक्स स्क्वायर, क्या है? एक्स स्क्वायर निकाले थे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, एक्स स्क्वायर क्या निकाले थे? वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर वर्ग का क्षेत्रफल। तो जब वर्ग की भुजा को हम लोग घटाकर वन थर्ड कर देते हैं, वर्ग की भुजा को घटाकर हम लोग वन थर्ड कर देते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा? एक बटा नौवां भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक बटा नौवां भाग। तो हम लोग अब देखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या क्या है, एक सातवां, एक तिहाई, एक आठवां, एक नौवां। तो ये प्रश्न, तो ये ऑप्शन सही है, एक नौवां।